ये हम हैं, ये हमारी टीम है और हम जा रहे हैं खेलने के लिए। स्विमर जो आज तक ओलंपिक्स में अकेला स्विम
स्विमिंग में 29 गोल्ड मेडल्स जीता है, ओलंपिक्स में 29 गोल्ड मेडल्स बाय वन पर्सन, दैट इज माइकल फेल्प्स। और फास्टेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आज की तारीख में कौन है? हु इज द फास्टेस्ट मैन? उसेन बोल्ट। गुड। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च किया था कैसे माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट और रॉजर फेडरर और सचिन तेंदुलकर, ये लोग इतना बड़े लेवल पर बहुत साल तक अपने इवेंट में चैंपियन रहे। उस रिसर्च में ये पता चला, तीन चीज पता चला। एक है, ये सारे लोग शुरू किए थे अपना खेल 12 साल से, जब उम्र उनकी 12 साल थे उस 12 साल से शुरू किए थे और 22 साल होते होते 10 साल में they all started becoming champions। तो उस 10 साल में their number of practice hours was 10,000 hours। चाहे उषा इकबाल बोल्ट हो, रॉजर फेडरर हो, सचिन तेंदुलकर हो और या माइकल फेल्प्स हो, जितना भी चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियंस को लेके उनका स्टडी करने के बाद ये पता चला देयर प्रैक्टिस नंबर ऑफ प्रैक्टिस आवर्स इन 10 इयर्स वाज 10,000 आवर्स। सो फॉर्मूला ये है, यदि आप 10 साल 10,000 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे आप ओलंपिक्स पहुंच जाएंगे और मेडल भी जीत जाएंगे। तभी वो ओलंपियन बन सकता है। तो पेरेंट्स का, पेरेंट्स से मेरा अनुरोध होगा, यदि आपके बच्चे खेल में इंटरेस्टेड है उनको खेलने दीजिए, यदि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पढ़ने दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि उसको खेल में इंटरेस्ट है उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने का कोशिश मत करिए, जबरदस्ती डॉक्टर बनाने की कोशिश मत करिए, उसको खेलने दीजिए। खेल में भी आज की तारीख में करियर बन सकता है और बहुत लोगों का करियर बना है। तो मेरा अनुरोध पेरेंट्स से है कि आप अपने बच्चे को खेलने दीजिए। हाल में बिहार सरकार के द्वारा खेल सम्मान समारोह में, अभी 19 अगस्त एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो उस दिन हमारे बिहार सरकार के द्वारा प्रमोद भगत, शरद कुमार जो टोक्यो ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स में मेडलिस्ट थे, उन लोगों को 1 crore ईच रिवॉर्ड दिया गया है कैश रिवॉर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और कॉमनवेल्थ गेम्स में नॉन गोल्ड में सिल्वर मेडलिस्ट थे चंदन, फिर जितना भी नेशनल मेडलिस्ट थे सबको 15 lakhs, 33 lakhs, मतलब कैश रिवॉर्ड्स का भरमार बिहार सरकार ने इस साल से बोला है। मैं आपकी भाषा में यदि मैं बताऊँ, आपको समझाने के लिए, आज की तारीख में बिहार सरकार अपने खजाना खिलाड़ियों के लिए खोल के रखे हैं, लूटना तो लूट लो, वो तुम्हारे हाथ में। तीसरा जो रिसर्च में आया है दैट इज डिसिप्लिन, वो भी आप मार्शल आर्ट में है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इसमें जरूरत है। डिसिप्लिन कैसे डिसिप्लिन है ये भी मैं बता देता हूं उदाहरण के तौर से। हमारा गोल्ड मेडलिस्ट टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, अब आज की तारीख में सब लोग नीरज चोपड़ा को जानते हैं, उनका डिसिप्लिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि डिसिप्लिन खेल में होता क्या है। जब उनका सिलेक्शन हो गया था इंडियन टीम में व्हेन ही वाज 19 इयर्स ओल्ड, 19 साल में वो इंडियन कैंप में सेलेक्ट हुए थे और पाटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में कैंप में उनको उस कैंपस के अंदर उनको ले लिया गया था। उसके बाद उस बच्चे 7 साल तक उस कैंपस से बाहर नहीं आया, बस कैंपस के अंदर ही रहा, प्रैक्टिस करते रहा, मेहनत करते रहा। ही यूज्ड टू स्लीप विद हिज जैवलिन, ही यूज्ड टू वॉक विद हिज जैवलिन, ही यूज्ड टू गो टू द डाइनिंग टेबल विद हिज जैवलिन। उसका जिंदगी 7 साल जैवलिन के साथ ही गुजरा, न
नो मोबाइल फोन, नो मूवीज, नो होली, नो शिवरात्रि, नथिंग, नॉट अटेंडिंग एनी मैरिज ऑफ एनी रिलेटिव, नथिंग, कुछ नहीं। अब वो बंदा, वो नीरज चोपड़ा उतना डिसिप्लिन से रहा है, तभी आज वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाया है। तो दैट इज द डिसिप्लिन विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं पेरेंट्स में कोई जरूरत नहीं है, उसको खेलने दीजिए, जितना खेलेगा उतना आगे बढ़ेगा, आपको जो करना आप करिए, ये मेरा अपना। लास्ट और फाइनल पॉइंट, कोचेस का प्रति सम्मान। आज तक नीरज चोपड़ा हो, कार्ल लुईस हो, फेडरर हो, सचिन तेंदुलकर हो, आप क्या समझते हैं सचिन तेंदुलकर इज नेम्ड एज गॉड ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के भगवान है, तो उनको तो कोचेस की जरूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी लास्ट मैच तक, रिटायरमेंट तक, वो अपने कोच को छोड़े नहीं, और हर मैच के पहले कोचिंग कैंप के दरमियान हर मैच में उनका कोच से राय मशवरा कर लेते थे, सजेशन ले लेते थे, अपना करेक्शन भी कर लेते थे। सो व्हेन गॉड ऑफ क्रिकेट नीड्स कोचेस टिल हिज लास्ट मैच, तो हम धोने भाई। तो कोचेस का प्रति जितना सम्मान रखेंगे, कोचेस के बात जितना आप सुनेंगे, यू विल बिकम एन ओलंपियन। यदि कोचेस के प्रति, कोचेस आर लाइक गुरु फॉर यू, जैसे स्कूल में टीचर्स हैं, तो जब तक आप गुरु के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, यू विल नेवर बिकम अ चैंपियन। तो दीज आर द फोर थिंग्स विच वॉज फाउंड आउट, जो रिसर्च में आया है। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से है कि आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और हमारा डिप्टी सीएम साहब और हमारा खेल मंत्री, सब लोग एक साथ मिलके खेल को बढ़ावा देने के लिए, और खास करके एक मिशन लक्ष्य प्राप्ति, एक लक्ष्य, एक टारगेट रखे हुए हम लोग बिहार सरकार द्वारा, वो ये है 2028 ओलंपिक्स जब लॉस एंजल्स में होगा, उसमें जब इंडियन टीम जाएंगे, उस इंडियन टीम में कोई भी इवेंट में हमारा बिहार के बच्चे या बच्चियां शामिल होना चाहिए। दैट इज द टारगेट। मैंने बेगूसराय विजिट किया, बेगूसराय की टीम वहां खड़ी है, उन लोगों ने मेरे से मैट का मांगा और इलेक्ट्रिकल स्कोरिंग सिस्टम मांगा है, और एकलव्य स्कूल का मांग किया था। तो तीन डिमांड मेरे से रखा था बेगूसराय जब विजिट किए थे, टेक्वांडो टीम से मिले थे, मैट मैंने दे दिया, बेगूसराय में एकलव्य स्कूल रोल दिए टेक्वांडो के लिए, और विद इन द एंड ऑफ दिस ईयर, बिकॉज सरकारी में फाइल मूवमेंट होता है, खरीदारी होता है, टेंडर फ्लोट करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो अभी सितंबर है, तो बिफोर दिस ईयर एंड, ये साल खत्म होने के पहले आपको मैं निश्चित तौर से इलेक्ट्रिकल स्कोरिंग सिस्टम या वॉट एवर यू रिक्वायर्ड वो हम उपलब्ध करा देंगे। मेरा इतना ही कहना है, ये मौका है, प्लीज यूटिलाइज इट, प्रैक्टिस वेल, बी डिसिप्लिन एंड प्ले वेल, ऑल द बेस्ट फॉर।
Thank you.